आज मैं आपको बोडमास रूल के बारे में बता रहा हूँ। जब एक ही प्रश्न में कई तरह की क्रियाएं होती हैं तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सी क्रिया पहले करें और कौन सी बाद। इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान देंगे। टू प्लस टू इंटू टू। अब इसको देखें, अगर हम ये प्लस पहले करते हैं तो ये हो जाएगा दो जोड़ दो यानी चार गुना दो, यानी चार गुना दो अर्थात आठ। अभी इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरह से लेता हूँ, टू प्लस टू इंटू टू। यहाँ मैं इस इंटू वाले को पहले कर रहा हूँ तो ये होगा टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स। अब प्रश्न ये उठता है, एक ही प्रश्न में मैंने दो तरह से बनाया और दोनों का अलग आंसर आ गया। फर्क क्या था? पहले में मैंने इस प्लस की क्रिया पहले की और इंटू की क्रिया बाद में, दूसरे में इस इंटू यानी गुना का क्रिया मैंने पहले किया और प्लस का क्रिया बाद में, तो ये आंसर अलग आ गया। तो एक रूल बना जिसका नाम है बोडमास रूल। इस रूल के अनुसार ये सही है और ये गलत। तो बोडमास रूल हमें बताता है कि जब एक ही प्रश्न में कई क्रियाएं हों तो कौन सा क्रिया हम पहले करेंगे, कौन सा बाद में। बोडमास होता है बी ओ डी एम ए एस। बी फॉर ब्रैकेट, ओ ऑफ यानी का, डी डिवीजन भाग, एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए एडिशन यानी जोड़, एस सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो जब कई क्रियाएं हों प्रश्न में तो हमारा क्रम इस तरह से होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, इसके बाद ऑफ की क्रिया, इसके बाद डिवीज़न या भाग की क्रिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या गुना की क्रिया, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ की क्रिया, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाव की क्रिया करेंगे। अब इस पर मैं पांच प्रश्न दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए है, इसे बनाएं और आंसर आप पोस्ट करें, बनाकर इसे पोस्ट करें। धन्यवाद।